मैं हूँ शाहिदा। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका। दिवाली का मौका है, उससे पहले आता है धनतेरस का ये पर्व, जब होती है ढेर सारी शॉपिंग। शॉपिंग धातु की, सोने चांदी की, बर्तनों की, और उसके अलावा बहुत सारे दिए भी खरीदे जाते हैं इसी मौके पर। हम आपको बता दें कि धनतेरस वो मौका होता है जब देवता धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यमराज देवता की पूजा भी धनतेरस के दिन ही की जाती है, और जिसके लिए खरीदे जाते हैं खूब सारे दिए जो कि घर के बाहर लगाए जाते हैं। बिल्कुल, शॉपिंग कई तरह की होती है शाहिदा। अगर हम याद करें तो धनतेरस पर सोने चांदी का भी अपना ही महत्व है, साथ ही साथ लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी इसी दिन खरीदी जाती है। बर्तन भी, बिल्कुल जी। और इसीलिए आज हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली के बाजारों में, ताकि आपको बता सके कि दिल्ली के बाजारों का क्या हाल है, किस मार्केट से आप क्या खरीद सकते हैं। और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं धनतेरस की ये खास पेशकश, जिसके अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली के बाजारों की रौनक इस धनतेरस कैसी है, और नए ट्रेंड का कितना असर आया है धनतेरस के इस त्योहार पर। मोनिका, कौन सी मार्केट में लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल, और ट्रेंड से मुझे याद है कि मैं लेकर जा रही हूँ दिल्ली के रजौरी गार्डन मार्केट में, जहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेंडी चीजें पहुंचती हैं, और एक बड़ा तबका जो है वो वहां पर पहुंचता है शॉपिंग करने के लिए। तो दिल्ली के रजौरी गार्डन मार्केट में क्या हाल है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन शाहिदा आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने ऑडियंस को लेकर जाऊंगी दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में, और दिखाऊंगी वहां की धनतेरस की धूम भी आपको। तो मोनिका, लेट्स गो। धनतेरस की शॉपिंग की शुरुआत करें, और सबसे पहले हम आ पहुंचे एक ज्वेलरी शॉप में, जहां पर बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। अगर आप यहां पर गौर फरमाएं तो यहां पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं चांदी की, इसके अलावा शिव शक्ति की मूर्तियां भी हैं। अलग अलग साइज में अलग अलग वैरायटी मौजूद है जिनको खरीदना चाहते हैं लोग। धनतेरस के मौके पर शुभ माना जाता है, और इनफैक्ट दिवाली की पूजा में भी इन्हें रखा जाता है। यहां पर कुछ बर्तन मौजूद हैं, धनतेरस में बर्तन भी खरीदने का अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। बोल्स मौजूद हैं यहाँ पर चांदी के, और ये छोटी छोटी प्लेट्स भी मौजूद हैं। इसमें भी कई तरह की वैरायटी हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये लीफ के शेप में भी यहाँ पर एक सिल्वर की प्लेट मौजूद है, और यहाँ पर थोड़ी हैवी प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें भी लोग धनतेरस के दिन खरीदना चाहते हैं, पसंद करते हैं। यहाँ पर यंत्र भी मौजूद हैं, इन्हें भी खरीदना धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है। इनकी भी अपनी ही मान्यता है, और लोग ये भी खरीदने के लिए पहुँचते हैं धनतेरस के मौके पर ही। इसके अलावा और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो खरीदना चाहते हैं। ये आप आम ज्वेलरी देख रहे हैं, तो अगर कोई भी खरीदना चाहता है तो जाहिर तौर पर पहुँचता ही ज्वेलरी शॉप पर, लेकिन यहाँ पर गोल्ड के कॉइन्स मौजूद हैं जो कि बेहद शुभ माना जाता है। अगर हम पिछले साल के अकॉर्डिंग अब कंपेयर करें तो रेट के अकॉर्डिंग भी काफ़ी डिफरेंस आ चुका है, जिससे कि लोग ज़्यादा कॉइन्स परचेज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो वैसे भी, मतलब आप ये देखो कि नॉर्मल बंदा कोई भी परचेज कर सकता है इस कॉइन को, ऐसा नहीं कि रेंज वाइज भी आपका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब 25 की परचेजिंग पे आपका हमारा बेस्ट में है डस्टर गाड़ी है जिसके अंदर, और उसके अलावा 121 प्राइजेज हो रहे हैं, और इसके अलावा एक और बेस्ट ऑफर है जिसके अंदर डी मेकिंग के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट एंड डायमंड जूलरी में 15% का डिस्काउंट मिल रहा है इस समय। अगर आप गोल्ड में परचेजिंग करते हैं 2 लाख से अबव तो उसमें आपका 15% है, अगर डायमंड में 2 लाख से अबव चाहते हैं तो उसमें आपका है 20%, जो हमारा इस समय बेस्ट ऑफर है कस्टमर्स के लिए। डिस्काउंट चाहिए तो पहले जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। अच्छा, अगर हम धनतेरस की बात करें तो और क्या खरीदने के लिए लोग पहुंचते हैं? मैम, कॉइन्स तो इस समय देखिए चल ही रहा है, बिकॉज क्योंकि ये शुभ माना जाता है दिवाली के पर्पज से। अगर आप देखा जाए तो शुभ है कि हर कोई मतलब पूजा में इसको रखता है, लक्ष्मी गणेश जी का उस दिन पूजन किया जाता है, तो इसलिए इसको बेस्ट ऑफर माना जाता है। कि बेसिक क्या है, दिवाली में कस्टमर पूजा में यूज करता है। अभी भी अगर आप देखें तो ज्यादातर डिमांडेबल यही चीज मानी जा रही है कि दिवाली के हिसाब से आपकी। यहाँ पर एक कस्टमर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, आप क्या खरीदने के लिए आए हैं? गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन क्यों खरीदने आए हैं आप? गोल्ड कॉइन शुभ माना जाता है दिवाली पर, और हम फैमिली बिजनेस, मतलब जो हमारा बैकग्राउंड वो बिजनेस से बिलोंग करते हैं, तो अगर मैं हम हर साल ये हमारा प्रथा चली आ रही है कि हम हर दिवाली पर, हर धनतेरस पर एक गोल्ड कॉइन खरीदते हैं। तो ये इसलिए खरीद रहे हैं कि ये हमारे लिए शुभ है, अगर हम खरीदेंगे तो हमारी बिजनेस अच्छा टिकाऊ करेगा।
कई तरह की वैरायटी यहाँ पर कॉइन्स में भी मौजूद है। इसके साथ ही साथ यंत्र, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, बर्तन भी यहाँ पर मौजूद है सिल्वर के, जिन्हें लोग खरीदना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ कई मूर्तियाँ भी हैं लक्ष्मी गणेश की, जिसको खरीदने के लिए आप ज्वेलरी शॉप्स का रुख कर सकते हैं इस धनतेरस पर। कुछ और शॉपिंग के बारे में आपको बताएंगे कुछ ही देर में। जान लिया कि ज्वेलरी की शॉप पर धनतेरस के दौरान किस तरह की खरीदारी हो रही है, लेकिन वहां पर मोनिका ने हमें ये भी दिखाया कि चांदी के बर्तन भी खरीदे जाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, या फिर खुद अपने घर के लिए शुभता के लिए चांदी के बर्तन भी लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर असली खरीदारी की बात की जाए तो धनतेरस का मौका सबसे बेहतर मौका होता है जब बर्तन खरीदे जाते हैं। जी हाँ, एक बर्तन की शॉप में मैं खड़ी हुई हूँ, तिलक नगर, दिल्ली के तिलक नगर इलाके की ये बर्तन की शॉप है, जहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के स्टील के बर्तन यहाँ पर लगे हुए हैं, छोटे बड़े भगोने, आप डिब्बियां देख सकते हैं, लोटे देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बड़े छोटे आप यहाँ पे डिजाइन देख सकते हैं। लोग आ रहे हैं, किस कदर यहाँ पर भीड़ है धनतेरस के दौरान पे। चलिए यहाँ के शॉप के मालिक से हम जायजा लेते हैं इस बात का, और पूछते हैं कि किस तरह की खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचते हैं धनतेरस वाले दिन। आज कैसा यहाँ पर माहौल है? धनतेरस वाले दिन यहाँ काफी रश होता है, ज्यादा प्रेफर लोग जो स्टील के बर्तन है या गिफ्ट आइटम्स है इन्हीं चीजों को ज्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं। और धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है दिवाली में कि जिसमें बर्तन खरीदना और ये सबसे शुभ माना जाता है। प्राइस के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि अगर प्राइस की बात की जाए तो किस प्राइस से लेकर किस प्राइस तक के आपके यहाँ पर बर्तन निकल जाते हैं धनतेरस आज के दिन? हमारे पास 100 रुपए दर्जन चम्मच से लेकर के, और इसमें 1200, 2000, 3000 रुपए तक की रेंज जो है वो सेल होती है। जैसे अलग अलग डिनर सेट हैं 51 बर्तन के, 61 बर्तन के, लोग वो भी खरीदते हैं, उसको भी प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जिनकी अगर रेंज नहीं होती है तो वो 100 रुपए के 12 चम्मच भी ले लेते हैं, तो उसमें भी संतुष्टि करते हैं। तो देखो हर तरह की जो सेल है वो हमारे यहाँ पे। हमारे साथ कस्टमर भी हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि वो यहाँ पर क्या खरीदने के लिए आई हैं आज। आज आप यहाँ पे क्या खरीदने के लिए आई हैं? आज मैं आप क्रॉकरी लेने आई हूँ। जी जी, धनतेरस के मौके पे जैसे ही माना जाता है कि स्टील के बर्तन, गोल्ड वगैरह की कोई आइटम कुछ वो तो ली है, बात साथ में स्टील का भी कुछ ऐसा लेंगे जो घर का यूज हो सके। तो क्या मतलब आपके आपने क्या जाना है कि कितना शुभ माना जाता है? बहुत शुभ माना जाता है, गोल्ड के साथ साथ चांदी ले लो या फिर स्टील का बर्तन बहुत शुभ माना जाता है लेना। तो आप गिफ्ट भी करने वाली हैं? बिल्कुल, गिफ्ट पर्पस से भी और घर के यूज के लिए भी। तो घर के यूज के लिए भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो कि खरीद रहे हैं बर्तन, और साथ ही साथ गिफ्ट पर्पस से भी यहाँ पर लोगों ने खरीदा है। आप इस पूरी दुकान को देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर आपको बर्तन ही बर्तन स्टील के नजर आ रहे हैं, वहीं तांबे के बर्तन भी आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर कस्टमर्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे कस्टमर यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर ये खरीदारी की जा रही है। तो धनतेरस का मौका होता है जब इस तरह की खरीदारी की जाती है, तो धनतेरस के मौके पर बर्तन खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, ये सब की सब चीजें आज हम आपको बता रहे हैं। और भी बहुत सारी जानकारियां भी बाकी है, बने रहिए हमारे साथ। तो ज्वेलरी और बर्तनों के बारे में तो हमने इतनी सारी जानकारी अपने ऑडियंस को दे दी। बिल्कुल, फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत कुछ खास है। बिल्कुल, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे धनतेरस से जुड़ी हुई और भी खास जानकारी।
ज्वेलरी और बर्तनों के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, खुद शायदा ने आपको बताया कितनी वैरायटी मौजूद है मार्केट में। वेल वैरायटी सिर्फ ज्वेलरी और बर्तनों में नहीं बल्कि साज सज्जा के सामान में भी खूब देखी जा रही है। अगर आप बंदरवार देखें तो शीशे के साथ फुल डेकोरेटिव कितने अलग अलग तरीके के बंदरवार नज़र आ रहे हैं, और यहाँ सामने नज़र दौड़ाएँ तो मोतियों के भी हैं, कलरफुल यहाँ पर और मोती नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ कुछ लेस के साथ हैं, बहुत ही अलग अलग तरह के फूलों के साथ बने हुए हैं। इनफैक्ट ढेरों वैरायटीज के साथ ही यहाँ पर दिए कितने तरीके की हैं जिनसे आप अपने घर को सजा सकते हैं, रंगोली के वहाँ पर ढेर सारे रंगोली के रंग भी हैं, और इसी तरह से ये पूरी की पूरी शॉप जो है वो भरी हुई है। मैं आपको इस शॉप की कुछ और तस्वीरें दिखाऊँगी, कितने अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ हैं। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं लक्ष्मी गणेश की ढेरों, और इन्हीं को लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। आप भीड़ भी देख पा रहे हैं इस शॉप में, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये वैरायटी देखिए कि अलग अलग तरह से ये सजी हुई है, और इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ आएँ तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये शुभ दीपावली किस तरह से शुभ लाभ लिखा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे कस्टमर भी मौजूद है। मीरा, आप यहाँ किस लिए आई हुई हैं, क्या शॉपिंग करने आई हैं? मैं कैंडल्स, दिए, ये सब लेने आई हूँ। और किस तरह से आपको लग रहा है कि इस बार वैरायटी ज़्यादा है, कम है, कितनी वैरायटी आप देख पा रहे हैं? मुझे कैंडल्स में, दियों में, सब में काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल रही है। जो पहले हम जैसे सिर्फ कैंडल्स जलाते थे, अब देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, तरह तरह की कैंडल्स हैं। अच्छा, अगर आपको घर को सजाना हो तो कैंडल और दियो के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आप जिससे घर को सजाना पसंद करते हैं या फिर आप इस पर्टिकुलर शॉप में देख पा रहे हैं? मैं यहाँ जैसे मेरे को तोरण अच्छे लग रहे हैं, तरह तरह के तोरण अच्छे हैं, बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें हैं, मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही है। मैं आपको क्या कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ? अच्छा, अगर हम प्राइसेस की बात करें तो क्या इन्हें लेना वर्दी है? आई मीन जिस तरह की ये इनकी डेकोरेशन की हुई है, क्या उस हिसाब से इनके प्राइसेस भी हैं? आपने रेट्स भी यकीनन पता किए होंगे। हाँ, पता किए हैं हम, पर दिवाली भी साल में एक ही बार आती है ना, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। पर हाँ, नहीं, इनके प्राइसेस क्वाइट बेटर, तो प्राइसेस भी ठीक है। थैंक यू, प्राइसेस भी ठीक ठाक है और वैरायटी भी ढेर होगी और लोग ख़रीदने के लिए पहुंच भी रहे हैं। जाहिर तौर पर दिवाली साल में एक ही बार आती है, और ऐसे में कोई भी आदमी पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हटता है। जाहिर तौर पर अगर सामान खरीदना है, घर को सजाना है, दिवाली मनानी है, तो थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि राजौरी मार्केट में काफ़ी वैरायटी मौजूद है। आपको कुछ भी लेना हो, तोरण लेनी हो, बंदरवार लेनी हो, या फिर आपको कैंडल्स लेनी हो, दीपक लेने हो, यहाँ पे आप वॉल्स देख पा रहे हैं, कितने अलग अलग तरीके के वॉल्स हैं, डिफरेंट साइजेस में ये मौजूद हैं जिनसे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ और भी कई चीज़ें हैं जिनकी शॉपिंग धनतेरस के मौके पर हम करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी देर में हमें शाहिदा बताएंगी। धनतेरस का मौका है और ऐसे में दिए ना खरीदे जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दियों की खरीदारी तो सबसे पहले की जाती है, क्योंकि धनतेरस ही वो अवसर होता है जब घर के बाहर खूब सारे दिए जलाने की शुरुआत की जाती है, जो कि दिवाली तक चलती ही रहती है। चलिए, हमारे साथ राकेश जी मौजूद हैं, जो कि इस बार दियों की खरीदारी में सबसे ज्यादा उनके यहाँ पर दिए बिक रहे हैं। जानते हैं उनसे कि इस बार दियों में कैसी वैरायटी आई है। राकेश जी, क्या बताना चाहेंगे कि दियों में कैसी वैरायटी आई है? दियों में हर तरह की वैरायटी है, कलकत्ता की वैरायटी है और अपनी दिल्ली की भी वैरायटी है, और वैक्स में है, जेल के अंदर है, और नॉर्मली फ्लोटिंग कैंडल्स है, और जो 21 दिए की जो वो होती है, जो जलते हैं दीपावली पर लक्ष्मी गणेश के साथ में, उस तरह के भी हमारे पास दिए हैं। मतलब बहुत तरह की वैरायटी है हमारे पास, कस्टमर जो चीज़ मांगेगा हम वो चीज़ उनको दे देते हैं। प्राइस की बात बताइए कि प्राइस के अंदर क्या फ़र्क आया है अब की बार और पिछले साल में, क्या फ़र्क आ गया है प्राइस को लेकर? प्राइस को लेकर इतना कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत नॉर्मली जो कलकत्ता के दिए हैं, जो फैंसी दिए हैं, वो बढ़िया उसमें आए हैं, लुक के अंदर आए हैं। तो हमने जाना कि किस तरह से ये जो दिए हैं वो अलग अलग वैरायटी के आए हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से दियों को सजाया गया है, कलर किया गया है, गोल्डन कलर या फिर और दूसरे कलर भी आप देख सकते हैं। इन पे प्रॉपर स्टड लगाए गए हैं, गोल्डन और चमकीले रंगों से इन्हें सजाया गया है। और जैसे कि राकेश जी ने बताया कि यहाँ पर जेल के भी दिए आए हैं, और कहा जाए तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली दिए हैं कि आप इनको बाद में अगले साल यूज करने के लिए भी साफ सुथरा करके इनको रख सकते हैं।
अगर बात की जाए और भी दूसरी चीजों की या दूसरे नए वैरायटीज के दियों की, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दिए को आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों को बहुत जरूरत होती है कि अलग अलग तरीके से दियों को लेयर वाइज लगाते हुए एक अलग ही शेप दी गई है। ये रेड कलर के दिए आप देख सकते हैं जो कि एक एक फ्लोर दिया गया है इन्हें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सबसे ऊपर, और उनके ऊपर एक मूर्ति भी लगाई गई है। बहुत ही उम्दा किस्म की डेकोरेशन के साथ इन्हें सजाया गया है। इनको सिर्फ आप एक ही त्योहार के लिए नहीं बल्कि साल दर साल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल आप फिल्मों में बड़ा ट्रेंड देखते हैं फ्लोटिंग दियाज का, और फ्लोटिंग दियाज को लेकर आप देख सकते हैं, ये नीचे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक पूरा एक पॉट दिया जाता है जिसमें पानी भरा जाता है और इस तरह के फूलों को डालकर, इस तरह के हम दिखाते हैं आपको, ये जो फूल होते हैं इनको डालकर पानी में फ्लोट किया जाता है, ये तैरते रहते हैं ये फूल, और साथ ही इनमें दिए भी लगाए जाते हैं। तो मिट्टी के दिए हमने देखे, जेल के दिए हमने देखे, इसके अलावा अलग अलग वैरायटी के दिए भी देखे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे दिए भी आपको नजर आएंगे जहाँ हम इन्हें कह सकते हैं कि इन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ सजाया गया है। अगर किसी तरह की परेशानी है कि अगर आपको तेल का प्रबंध नहीं है, अगर आप अग्नि नहीं प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो ये एक और नए ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक दिए यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं जिन्हें आप बखूबी अपने मंदिर में सजा सकते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। दिए के दिए हैं और किसी तरह का कोई धुआं नहीं, कोई तेल नहीं, कोई आग नहीं। तो इस बार का ये धनतेरस इस तरह के खूबसूरत दियों के साथ मनाइए और आप भी झूम जाइए इस अवसर पर। तो यहाँ पर वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। धनतेरस का मौका है और अगर आप देख सकते हैं तो बाजारों के अंदर तो बस तांता लग गया है लोगों का। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, कहीं गिफ्ट खरीदे जा रहे हैं, कहीं पटाखे खरीदे जा रहे हैं, लेकिन बात धनतेरस की हो तो गिफ्ट खरीदने की शुरुआत तो अभी से ही हो जाती है। बिस्किट खरीदने के लिए अगर आपको एक बेहतरीन शॉप चाहिए तो दिल्ली के रजौरी गार्डन की ये जो शॉप है, जिस दुकान पर हम खड़े हुए हैं, इससे बेस्ट शॉप है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरती के साथ यहाँ पर इनको सजाया गया है। एक गिफ्ट आइटम के तौर पर ये आप पूरी चीजें देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर से फ्लावर लगा के इनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से तोहफे की शेप दी गई है। एक तोहफा जो कि मिठास से भरा हुआ है लेकिन एक अलग अंदाज में, जो टेस्ट का टेस्ट भी देगा और हेल्दी का हेल्दी भी है। हमारे साथ कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो कि ऐसे गिफ्ट लेने के लिए इस मार्केट में आए हैं, शॉप में आए हैं, और चलिए उनसे जानते हैं कि इनमें उनको क्या खास अलग लगा, क्या ऐसी अलग चीज नजर आई जो कि उन्होंने मिठाइयों को छोड़कर इस शॉप को चुना ऐसे गिफ्ट खरीदने के लिए। आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज निक्की। आप क्यों आई हैं इस शॉप में, ऐसा क्या खास आपको दिखाई दिया यहाँ पे? वैरायटीज अच्छी हैं यहाँ पे, हेल्दी है सारा, हर चीज में हेल्दी बिजनेस दिख रहा है। देन धनतेरस के मौके पर हेल्दी चीज देना कस्टमर अच्छा लगता है गेस्ट को। देन केवी शॉप बहुत अच्छी मानी जाती है और लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी खरीदारी भी की। आपके हाथों में जो लक्ष्मी जी दिखाई दे रही है, इसको देखकर लग रहा है कि आपने जम के खरीदारी की। क्या कुछ लिया है आपने? हमने जूसेस, कुकीज, चॉकलेट, देन
ऑलमोस्ट बास्केट्स अच्छे अच्छे गिफ्ट्स बने हुए हैं वो लिए हैं जो अट्रैक्टिव लग रहे हैं हमें, देने में भी अच्छे लग रहे हैं हमको। देन इसलिए हम लोग यहाँ आए कि हम जो अगर गेस्ट को कुछ दे तो थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, इसलिए हम यहाँ आए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने अलग अलग स्टाइलिश बनाकर अपने बास्केट्स को रिप्रेजेंट किया है, जो कि मेरे कस्टमर मेरे से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं और मैं 20 सालों से इस शॉप को चला रही हूँ। और मेरे केक्स, ड्राई केक्स और चॉकलेट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नेट पैकिंग है, ऑल वेराइटीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। आप आइए और देखिए और लीजिए और धनतेरस की खुशियाँ मनाइए। प्रेजेंटेशन गिफ्ट का कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये तो आप यहाँ का नजारा देखकर ही समझ सकते हैं। अलग अलग तरीके से चॉकलेट्स को, जूसेस को, बिस्किट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे नेट के कपड़े के साथ इनको लपेटा गया है और एक फ्लावर की शेप दी गई है। आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत नजारा इन गिफ्ट का। मोनिका, मुझे तो बहुत मज़ा आया दिल्ली के तिलक नगर इलाके के अंदर, बहुत ही अच्छी मैंने शॉपिंग की यहाँ पर रीजनेबल प्राइस में, मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। तुम्हें बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? वेल, रजौरी गार्डन मार्केट में भी कुछ ऐसा ही था, बेहद उमदा चीज़ें थी, बहुत सारी वैरायटी थी। और जहाँ तक प्राइस की बात है तो साल में एक ही मौका आता है जब लोग दिल खोल कर खर्च करते हैं और खर्च करने से नहीं चूकते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा जहाँ पर आपने रजौरी गार्डन और तिलक नगर दोनों ही मार्केट का लुत्फ उठाया। हमें उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस ने बहुत इंजॉय किया होगा। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू।